गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह इज अखिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो अपन ने वहाँ पर जो डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा है उसका यूज़ क्या है, तो आज अपन उसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो यूज़ की बात करें अपन डायमेंशनल इक्वेशन की, तो इसके बेसिकली अपने पास 3 यूजेस हैं। क्या क्या है? पहला है डिड्यूसिंग रिलेशन अमाउंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मैं डायमेंशन फार्मूला इक्वेशन के थ्रू उसे ड्राइव भी कर सकता हूँ। मेरे को कोई फार्मूला नहीं पता तो इसके थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, उसे ड्राइव भी कर सकता हूँ। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। कोई फार्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, क्या वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, वो भी अपन डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अगर मेरे को किसी एक सिस्टम यूनिट का, कोई एक सिस्टम है ठीक है, उसको मेरे को दूसरे सिस्टम में अगर उसे कन्वर्ट करना है तो भी मैं डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू उसे क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन अपन कैसे बताते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, है ना, मतलब फॉर्मूला अपन किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, जैसे इट इज गिवन दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स on the length of pendulum and g। ठीक है, g यहाँ पे क्या acceleration देते हैं, आप पूरा लिख देते हैं, and acceleration due to gravity। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, deduce a relation for time period t। t के लिए अपन को एक रिलेशन बताने की, t का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड होता है ना सिंपल पेंडुलम का, वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन को क्या बताना है, एक टाइम फॉर्मूला ड्राइव करना है किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। किस तरीके से करेंगे अपन, देखिए अपन को क्या दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है टी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ पता है कि एल के, एल पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता नहीं पता, तो मान लेता हूँ कि एल की पावर ए होगी, जो भी होगी, ए की वैल्यू अपन निकालेंगे आप, है ना, ये टी कैसे डिपेंड कर रहा है, एल की पावर ए के इक्वल होगी। और क्या बताया यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब जी पर कैसे करता है ये भी नहीं पता मुझे, है ना, कि डायरेक्टली जी के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली जी के ऊपर डिपेंड करता है, या इसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ नहीं पता। तो इसके लिए मान लेता हूँ ये कितना है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन अगर इक्वल टू लगाएंगे तो एक पहले तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा अपन को, और यहाँ पे हो जाएगा एल की पावर ए और जी की पावर बी। क्लियर है इतना? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस किसके लिखेंगे, इन सब के डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ किसका डायमेंशन लिखेंगे अपन, अपन डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेते हैं, काम करें डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एलएचएस। एलएचएस के लिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहां पे टी है, ठीक है, तो अपन को पता है टी मतलब क्या है, टाइम है, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, टी ही होगा। ठीक है, अगर अपन इसे पूरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये एम जीरो, ठीक है, उसके बाद एल जीरो और टी वन होता है, तो एम जीरो एल जीरो टी, ये कल मैंने पता कि टाइम है तो मतलब सिर्फ टाइम ही और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही डायमेंशनल इक्वेशन फॉर आर एच एस,
RHS के लिए डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो RHS में अपने पास क्या है, ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पूरी क्वांटिटी का अपन डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, या डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए के तो कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कॉन्स्टेंट कोई डायमेंशन नहीं लेना है अपन को, अपन ये कॉन्स्टेंट ऐसा माना है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एल की बात करें तो एल की डायमेंशन क्या होती है, एल एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन तो सिर्फ एल ही होगी, ठीक है, तो एल लिख दिया मैंने। और क्या है, इसकी पावर कितनी है, ए, तो एल की पावर लगा दी गई। फिर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी है, तो जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन की कल अपन ने निकाली थी डायमेंशन क्या होती है, तो ए की एक्सेलरेशन मतलब ए, इसकी डायमेंशन क्या निकाली थी अपन ने, एल टी माइनस टू, ठीक है, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन होती थी और एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू अपन ने कल ही इसको ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जी के लिए लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितनी पावर है इसकी, बी, तो ये पावर कोई बी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को अपन कंबाइन कर लेते हैं, तो देखिए ये तो हो गया एल की पावर ए, तो यहाँ पर है कि एल की पावर ए हो गया, अंदर ले लेते हैं हम इसे, और यहाँ पे क्या है, एल की पावर बी, और यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर माइनस टू बी, ठीक है, दोनों से क्या हो गया ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर ले आइए, इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, एम कहीं पे है क्या, एम कहीं नहीं मतलब जीरो। एल की बात करें तो एल की कितनी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। टी की बात करें, टी कितना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है माइनस टू बी। तो ये अपने पास ये डायमेंशन हो गए। अब डायमेंशन कोई भी अगर फॉर्मूला है तो उसकी जो एल एच एस की डायमेंशन होती है और आर एच एस की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे आएगा, अब अपन फॉर्मूला निकालते हैं इसका, फॉर्मूला कैसे आएगा, इधर देखिए, इक्वेटिंग इक्वेटिंग द डायमेंशंस, इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की डायमेंशन को अपन क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एम की डायमेंशन कितनी थी, जीरो, यहाँ पे भी एम की कितनी है, जीरो, तो जीरो जीरो से जीरो में कोई मतलब नहीं है। एल की यहाँ कितनी है, जीरो, यहाँ पे एल की कितनी है, ए प्लस बी, तो एक अपन को मिल गया कि जो ए प्लस बी है ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, आया था। एक और देखो, और क्या मिल रहा है अपन को, टी में देखो, टी पी है, टी यहाँ पे कितना है, वन, यहाँ पर टी कितना है, माइनस टू बी, तो यहाँ से एक और मिल रहा है अपन को, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। अच्छा इधर माइनस टू बी इक्वल टू वन मिला था, तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा कि b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ वन बाय टू, क्लियर है। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ वन बाय टू। अब यहाँ पे अगर अपन रखेंगे a प्लस माइनस ऑफ वन बाय टू इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वन बाय टू, क्लियर। तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है, किसके बीच में, ये टाइम पीरियड, इसका क्या हो जाएगा, k तो एक कांस्टेंट था, अब क्या बताया था, l की पावर a, तो l की पावर a मतलब कितना हो गया, l की पावर 1 बाय 2, और फिर क्या है, g, g की पावर b, तो g की पावर b मतलब कितना है, माइनस ऑफ 1 बाय 2, तो इसे जब अपन फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, k रूट ऑफ l बाय g। देखिए g की पावर माइनस 1 बाय 2 है, तो नीचे जाएगी 1 बाय 2 हो जाएगी, 1 बाय 2 पावर क्या होती है, मतलब रूट में, तो नीचे रूट है, तो एल की पावर में ऊपर रूट है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, t इज इक्वल टू k रूट ऑफ l बाय g। तो होपफुली ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसके जो और यूजेस हैं उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।